हैवी हैवी जिम मत मारो। मैंने एक नोट चीज़ नोटिस की कि आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किए है कि नहीं, कि लोग बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हूँ। मेरी गर्ल से ज़्यादा डाइटिंग करते हैं। मेरे दो फ्रेंडों को भी ऐसे हुआ था लास्ट ईयर कि ऐसी ऐसी डाइटिंग करते हैं, अलग क्यूटू पता नहीं अलग अलग क्या डाइटिंग आई है। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है लेकिन बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ है। किटो ये सारी डाइटिंग करने से किडनी पे बहुत ज़्यादा फर्क वो लोड पड़ता है। दोस्तों वेट साइज ज़ीरो तो चाहिए इंडस्ट्री में, हर जगह आजकल हर कोई खूबसूरत बहुत अच्छा दिखना चाहता है। मैं चार चार घंटे जिम में वर्कआउट करती हूँ बट मैं डाइटिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ। सब कहते हैं मैं मोटी हूँ, चलेगा मुझे मोटी हूँ मैं चल जाएगा, लेकिन मैं अपने प्राण नहीं खो सकती हूँ। ज़्यादा डाइटिंग करने के चक्कर में, स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छे दिखने के चक्कर में, फिर वो एसिडिटी आती है। एसिडिटी से हेडेक, हार्ट पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी किडनी पे। तो सीट भी लास्ट कितने अच्छे दुबले हो गए थे एकदम, बहुत हैंडसम डूड लग रहे थे। एंड शहनाज भी बहुत खूबसूरत हो गई, एकदम स्लिम हो गई। मैं कह रही बस आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा डाइटिंग ना करें। ईश्वर ने अच्छा खाना बनाया, खाना खाएं और अच्छी एक्सरसाइज करें। और जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी डंबल्स ना मारें, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे जिम के लड़के भी उनको हार्ट अटैक आया हुआ है। दो चार वीडियो मैंने देखे थे, दो चार दिन पहले मेरे जिम में भी एक लड़का बेहोश हो गया था। गवर्नमेंट को जिम के लिए है ना, जिम में एक डॉक्टर रखना ही चाहिए। जिम में कुछ हो जाता है, बहुत हैवी वेट उठा लेते हैं ना तो हार्ट में पेन होने लगता है, बहुत सारे लड़के लोग बेहोश हो जाते हैं। मैंने देखा है जिम में बहुत बार, मेरे जिम में भी एक लड़का बेहोश हो गया। देखिए सब कहते हैं तकदीर, तकदीर तो है ही है, मौत हमारे हाथ में है ही नहीं, लेकिन हम अपने आप को संभाल ही सकते हैं। मैं तो दिन रात प्रे कर रही हूँ कि गॉड अगर मेरा आखिरी दिन है, मुझे तो खुद मैं सैड हूँ कि मैं आज हूँ कल नहीं, पता ही नहीं है, बहुत सैड है। और सीड के लिए तो शॉकिंग है, मुझे तो शहनाज की बहुत फिक्र हो रही है। उसकी ज़िंदगी में हंसी खुशी सिर्फ सीड था, दुनिया वाले फैंस सब लोग शहनाज को संभाल ले। और गॉड को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि गॉड जिस तरह मेरा दिल टूटा था आपने मुझे संभाला था, शहनाज को सीढ़ के